हेलो फ्रेंड्स, मैं आज ये लगाने जा रही हूँ ब्रिंजल। ब्रिंजल के देखिए ये सीड्स हैं इस तरीके से। ब्रिंजल हर एक मौसम में लग जाते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो। इस तरीके से देखिए दूर 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 फैला देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सूखी मिट्टी डाल देंगे इस तरीके से। जब इसके पौधे निकल आएंगे तो हम इनमें से पौधे निकाल के दूसरे ग्रो बैग में भी लगा देंगे और इस कवर में हम तीन पौधे या दो पौधे ही रखेंगे। पानी को छिड़केंगे, डेली इस तरीके से पानी डालते रहेंगे। ये देखिए बैंगन के पौधे जो हैं अब ये एक महीने के हो गए हैं। बैंगन के पौधे ज़रा स्टार्टिंग में धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अब हम देखें इनमें से पौधों को बाद में अलग अलग लगा दूंगी। ये देखिए बैंगन का पौधा जो है एक महीने 10 दिन हुए हैं लगभग। इनको इनमें देखिए पत्तों में कैसे कांटे निकले हुए हैं, शायद ही अपनी सुरक्षा करते हैं पौधे। और इसमें देखिए फूल आना स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे फूल आना स्टार्ट हो रहे हैं। 1 महीना 10 दिन हुए हैं एक पौधा ये अच्छे फास्ट ग्रो कर रहा है। और ये देखिए दूसरा भी ये फास्ट ग्रो कर रहा है। और बाकी ये देखिए दो तीन पौधे हैं ये। इनको अभी हम क्या करेंगे, अलग पॉट में या ग्रो बैग में लगा देंगे। अभी मैं देखिए इसमें से पौधे निकाल ले रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं इसमें। इसको दूसरे पॉट में लगा देंगे। तो देखिए इसमें लगा दे रही हूँ मैं। देखिए बैंगन के तीन पौधे हमने दूर दूर लगा दिए हैं इसमें। और इसकी मिट्टी देखिए इस तरीके से भुरभुरी होनी चाहिए। पहले इसमें भिंडी के पौधे लगे थे, उनको सब हार्वेस्ट करने के बाद में इसको 3-4 दिन इसकी मिट्टी को हमने सूखने दिया धूप में। सूखने के बाद में इसमें घर की बनाई हुई खाद और थोड़ी नीम खली भी अलग से भी डाल दी है, जिससे कि फंगस नहीं लगे। और इस तरीके से देखे ऐसी मिट्टी होना चाहिए भुरभुरी जैसी, तो इसमें पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। अब मैंने देखे इनको अलग अलग लगा दिया है। अभी 2-4 दिन हाथ की सहायता से पानी डालेंगे। अब ये देखिए बैंगन का पौधा जो है 1.5 महीने का हो गया है। लगभग 1 महीने 16-17 दिन हुए हैं। तो इसमें देखिए बैंगन आना स्टार्ट हो गए हैं और फूल भी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए दूसरे पौधे जो मैंने वो ग्रो बैग से अलग लगाए थे, ये भी बड़े हो रहे हैं। ये देखिए पॉट से अब मैं निराई गुड़ाई इसमें से कर दूँगी। पूरी घास देखे इसकी उखाड़ दूंगी। तो निराई गुड़ाई करने से क्या है कि पौधे के जड़ों को हवा मिलती है और पौधे जो है अच्छे से ग्रो करते हैं। ये देखिए बैंगन के पौधे जो है 1 महीना 25 दिन लगभग हो गए हैं। इसमें आप देखिए बैंगन निकलना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से बैंगन निकल रहे हैं। और पहले देखिए जब 1.25 महीने के ये बैंगन का पौधा हो गया तब उसमें एक बैंगन निकला था जो कि बंदर ने खा लिया था। और अब ये लगभग पौधा हो गया है 1 महीना 25 दिन का। तो इसमें देखिए बैंगन निकलने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बैंगन देखिए निकल रहे हैं। ऑर्गेनिक बैंगन हमको घर पर ही खाने को मिल जाएंगे। इस ग्रो बैग से मैंने बैंगन के पौधों को निकाल कर इन पॉट में देखिए लगा दिए थे। इनमें भी देखिए बैंगन अब अच्छे से निकल आए हैं, बड़े हो गए हैं, फूल भी निकल रहे हैं। और नियमित रूप से इसमें पानी डालते रहिए और खाद डालते रहिए। मैंने घर की बनाई हुई खाद का प्रयोग किया है और मिलीबग से बचने के लिए, क्योंकि बैंगन के पौधे में मिलीबग बहुत जल्दी लग जाते हैं, इसके लिए मैं नियमित रूप से वीक में एक बार हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ, हल्दी छिड़क देती हूँ, जिससे कि मिलीबग
नहीं लग पाए। अगर वो लग जाते हैं तो जल्दी से ग्रोथ इनकी देखे रुक जाती है मिलीबग के कीड़े लगने से। मैं अपने टेरेस गार्डन से देखे ऑर्गेनिक बैगन जो हूँ तोड़ रही हूँ। और ये देखे मैं अपने बैगन देखे यहाँ से देखे इधर से ये देखे कितना अच्छा बैगन है। ये इतने अच्छे बड़े बड़े बैगन लगे हुए हैं। ये देखिए कैसा एकदम सॉफ्ट बैगन है ये। ये बैगन अभी देखिए छोटे हैं और थोड़े बैगन और भी लग रहे हैं तो मैं उनके साथ में ही तोड़ूंगी। ये देखिए मैंने सारे बैगन तोड़ लिए हैं। अब ये देखिए बैगन के पौधे जो है लगभग 2 महीने के हो गए हैं, 2 महीना 5 या 10 दिन। तो इस तरीके देखिए इतने सारे बैगन लगे हुए हैं। ये 1 महीना 25-26 दिन पर भी बैगन लग चुके हैं, मैंने उनको हार्वेस्ट कर लिया था। अब ये दोबारा से देखिए 2 महीने के बाद में फिर से ये बैगन निकल आए हैं। अब मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए आप सब लोग भी अपने टेरेस गार्डन पर बैगन लगा सकते हैं। और ये बैगन के पौधे जो है 1 साल तक ख़राब नहीं होते हैं, आप 1 साल तक इनसे हार्वेस्ट कर सकती हैं बैगन को। अब मैं देखिए बैगन को तोड़ने जा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे फ्रेश बैगन है। इस तरीके से देखिए इतने सारे बैगन निकले हैं एक बार सब्जी बनाने तक के लिए। आप सब लोगों को बैगन लगाने का और हार्वेस्ट करने का यह वीडियो कैसा लगा है? यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।